व्लॉग। तो आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं बहुत एक्साइटेड था। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरी इसीलिए थी कि जो मैं कायरो जाऊँ और वहाँ पे फिरौन का जो ममीज़ है उसको देखूँ। तो फाइनली मैं जा रहा हूँ अभी ओल्ड म्यूज़ियम की तरफ जहाँ पे फिरौन की ममीज़ मौजूद हैं और मेरे साथ मेरे टूर गाइड भी हैं। एंड मैं अभी लोकल ट्रांसपोर्ट से जा रहा हूँ क्योंकि जो मेरे टूर गाइड हैं इनको यहाँ का काफ़ी ज़्यादा आइडिया है इन जगहों का, तो इसलिए ये मुझे लोकल ट्रांसपोर्ट से लेके जा रहे हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट का फ़ायदा ये है कि एक तो आप इनके जो कल्चर है, इनकी जो सकाफत है, उसको आप ईज़िली कैरी कर पाते हो कि कैसे हैं ये लोग। सबसे बड़ा फ़ायदा लोकल ट्रांसपोर्ट का ये होता है। दूसरे आपके जो पैसे एक्सपेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो उम्मीद यही है मेरी कि अच्छे से इसको जो है ना एक्सप्लोर करें और साथ ही आपके उम्मीद तो ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर है और हम अभी चल रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ। तो वहाँ जाकर आपके साथ मिलते हैं। ये मेरे टूर गाइड को आप देख सकते हैं, ये बैठे हुए हैं, बस जस्ट यही मुझे फॉलो अप कर रहे होते हैं कि इधर जाना है उधर जाना है। जितने भी मिस्र के जो ट्रिप्स हैं उनका सारा क्रेडिट इनको जाता है। तो आप देख सकते हैं अपने हवाले से काफ़ी ज़्यादा बिजी है। तो फाइनली डेस्टिनेशन पे हम पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये दो ममीज़ हैं, फीमेल ममीज़ हैं, और बीच में आप देख सकते हैं कि एक मेल ममी है, उसके ऊपर जो है ना एक ताज बना हुआ है। और अभी हम अंदर जाके आपको इसका मज़ीद व्यू दिखाते हैं। अच्छा, तो मैं म्यूज़ियम में मौजूद हूँ। तो ये जो थे ना, ये आप देख सकते हैं, ये बॉक्सेस, ये मेरे पीछे इसमें उनकी लाशें पड़ी हुई थी, फिर इसमें जो फिरौन जो थे उनकी लाश पड़ी हुई थी, फिर उसके बाद जो है ना फिर उसको इसमें कवर किया गया हुआ था, देन उसके बाद फिर इस तरह कवर किया गया हुआ था, और फिर उसके बाद उसके ऊपर बड़ा सा ये पड़ा हुआ था, और फिर उठा के उसको इसमें रखा गया था। तो ये टोटली तौर पे पैक था। इसको यहाँ से जब निकाला गया है तो इस शेप में, इस लहर में इनको जो है ना निकाला गया है। तो अभी हम जाके मज़ीद आपको दिखाते हैं कि वो ममीज़ कैसी थी, वो फिरौन कैसा था, उसकी जो जोजा थी, उसकी जो बीवी थी, उसका भी यहाँ पे जो है ममी मौजूद है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। और ये अगर आप इसको देखें तो ये उस वक्त के जो पत्थर हैं और जो पहनते थे, तो ये वो पत्थर थे, ये आप देख सकते हैं। एंड ये वाला आप देख सकते हैं, ये शेर बना हुआ है, यानी ये शेर की घड़ बनाई हुई है, और फेस जो है इन्होंने किसी फीमेल का दिया हुआ है। लुक लाइक के ये समझते थे कि ये शेर है और ये इनकी हिफाजत करेगा। तो इसका जो बनाने का मकसद जो है ना वो ये है। तो अभी हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ जहाँ पे ममीज मौजूद हैं, तो वो दिखाते हैं आपको। तो मैं पहुँचा हूँ एक ममीज के पास। तो ये एक छोटी ममी है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ममीज थी, वो इन्होंने मूव कर दिए हैं न्यू म्यूज़ियम में। अदर की जो सिविलाइजेशन है उन्होंने सारी ममीज़ को मूव करके न्यू म्यूज़ियम की तरफ ले गए हैं। तो वो अभी जो है ना उधर कैमरा फ़ोटो कुछ भी अलाउ नहीं है। और यहाँ पे जो ममी पड़ी हुई है उसका मैं आपको व्यू देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसी तरह ही ये इसको लपेटा गया हुआ है जैसे कि ममीज़ को लपेटा जाता था। ये बिल्कुल उसी आकार में मौजूद है। और आगे चलते हैं, अगर हमें मज़ीद ममीज़ मिलती हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, तो मैं उस जगह पे अभी मौजूद हूँ जहाँ से इनकी पहली लेयर स्टार्ट होती है, तो मैं आपको इसका भी विज़िट करवाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि जो इसकी जो पहली लेयर थी वो इसमें थी। ये आप सबसे बड़ा देख सकते हैं बॉक्स सा बना हुआ है, तो इसमें जो था ना ममी मौजूद थी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये मेल ममी के लिए था, जो फिरौन था इसकी जो सोजा थी वो इसमें थी, ठीक है। और एक का नाम था तुयस, इनकी जो फीमेल थी
जो फिरौन की जो वाइफ थी उसका तुयस नाम था और जो फिरौन था उसका मम्मी का नाम था यूयस, तो उस मम्मी का नाम था यूयस। तो चलो आगे चलते हैं, मैं आपको इसका जो है ना प्रॉपर व्यू दिखाने जा रहा हूँ। अच्छा, तो उस बॉक्स से जब दरियाफ्त हुआ ये वाली लेयर, उसमें फिर ये था, एंड उसके बाद जब हम आगे जाएं तो ये निकला। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये प्योर गोल्ड का है, ये तकरीबन 4000 साल पुराना है, ये आप देख सकते हैं। अभी चलें आगे चलते हैं। एंड उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि इसमें मम्मीज़ मौजूद हैं। ये अनबिलीवेबल सीन है, बिल्कुल वैसी की वैसी है, अपने आकार में ये मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल जो आप इसको देखेंगे कि आप कहेंगे कि वाकई इसके देखिए हाथ वैसे के वैसे हैं, इवन आपको इनके नेल्स नज़र आ रहे होंगे, वो भी वैसे ही आकार में मौजूद है। तो ये हो गई फिरौन की मम्मी, और इसकी अभी ज़ोजा की तरफ आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये फिरौन की जो ज़ोजा थी, जो उनकी वाइफ थी, उनकी मम्मी है। ये इसके ऊपर उन्होंने कपड़ा ढांका हुआ है क्योंकि यू नो दैट ये फीमेल है। और इसके आप ये पांव देख सकते हैं, उसमें उसी तरह वो गोल्ड लगा हुआ है जिस शेप में उनका जो गोल्ड होता था। तो ये जो है ना एक इबरत का निशान है जो कि आज भी मौजूद है। ये 400,000 साल पुरानी मम्मीज़ हैं। तो चलो ज़रा सा आगे चलते हैं, आपको इनकी कुछ और चीज़ें बताते हैं। इसमें जो था ना, इसमें फीमेल्स मम्मी जो थी बन की हुई थी, और उसमें जो फिरौन की जो डेड बॉडी थी, जो मम्मीज थी, वो इसमें बन की हुई थी। तो ये प्योर गोल्ड का है, इन्होंने इनसे इनको निकाला हुआ है और ये अलग से रखा हुआ है। देयर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो है ना ये भी पपायरस से बना हुआ है। इनका कहने का मुताबिक, इनके कहने के मुताबिक ये उस आकार में बना हुआ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब उसकी वालदा ने एक जब हम देखते हैं ना कि एक पक्षी में डाला। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताता चलूं कि उस वक्त की जो चप्पल थी वो भी पपायरस से ही बनी होती थी। ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो है ना वैसे ही बना के रखी गई हुई है। और अगर हम उसकी 4000 साल पीछे जाएं तो उस शेप में आप ये देख सकते हैं, ये काफ़ी घिस चुकी हैं बट कुछ आकार उसी तरह मौजूद है। ये भी पपायरस से ही बनाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये वो बोगी है जिसमें फिरौन जो था ना, फिरौन सफ़र करता था, इसके आगे घोड़े लगते थे। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, और ये भी आलमोस्ट इसमें गोल्ड शीट यूज़ की गई हुई है कहीं जगह पे। तो ये भी एग्जैक्ट उसी हालत में मौजूद है। मम्मीज को खोला गया तो उनके ऊपर ये आकार बने हुए थे। ये उनकी जो वाइफ थी उनका फेस स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर मम्मीज़ के ऊपर ये लगा हुआ था, और फिरौन के जो मम्मीज़ थी उसके ताबूत के ऊपर ये लगा हुआ था। तो ये एज इट इज़ उसी तरह मौजूद है। अच्छा, तो जिसकी मम्मीज़ हमने आपको दिखाई है, तो ये फिरौन नहीं है, ठीक है। फिरौन उस वक्त का एक लकब था, ठीक है। लेकिन ये वो लोग हैं जो कि उस वक्त पानी में गर्क हुए थे जब मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी थी नील में, तो नील खुल गया था। तो जब उनको हुक्म दिया कि इसको बंद कर दो, तो उस नील में जो गर्क हुए थे तो वो यही जो थे ना, यही मम्मीज़ थी। जो फिरौन की जो एग्जैक्ट मम्मी है वो यहाँ से जो इनकी जो दूसरा इन्होंने म्यूज़ियम बनाया हुआ है न्यू म्यूज़ियम के नाम से, तो उधर उन्होंने मूव कर दिया, तो वो यहाँ पे नहीं है। अगर आप वहाँ आप विज़िट भी करते हो, अगर आप देखते हो फिरौन की मम्मी, वहाँ पे कैमरा फ़ोन कोई चीज़ अलाउ नहीं है, जस्ट आप उसको देख सकते हो। और उसको जो है ना आप रिसेंटली आपने देखा होगा कि कोई वीडियोस वगैरह नहीं आ रही। और जो मम्मीज़ मैंने आपको दिखाई है तो ये फिरौन नहीं है, ठीक है। तो म्यूज़ियम से हम बाहर आ चुके हैं, आप लोगों को टोटल अंदर का रिव्यू दिखाया, और काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें थी आपके साथ उसको डिस्कस किया। इतनी नॉलेज नहीं थी, बट जितना मुझे पता था, जितना वहाँ पर लिखा था,
को आपके साथ में शेयर करता रहा। और अब हम यहाँ म्यूज़ियम से चल रहे हैं, कहाँ नील की तरफ जाएंगे। हाँ, तो यहाँ से नील करीब ही है, दरियाए नील है जहाँ पे फिरौन की जो कौम थी वो नेस्तो नाबूद हुई थी। तो यहाँ से चलते हैं, वहाँ आपके साथ मिलते हैं। तो म्यूज़ियम से हम आए हैं नील की तरफ। ये नील के मनाज़िर हैं, ये वो नील है जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने अपनी लाठी मारी और दरिया को खोल दिया और अपने लश्कर को लेकर उस पार हो गए। और जब फिरौन का लश्कर उतरा तो इस नील में उसको नेस्तो नाबूद कर दिया गया था। तो कुरान मजीद में फरमाया गया कि हम उसको इबरत का निशाना बनाएंगे। हमने आपको वीडियो में दिखाया, वो उसी तरह मौजूद है, वहाँ पर इबरत का निशान बना हुआ है। तो इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा।